हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले लियो मूवी के क्लिप्स के ऊपर, जिसके अंदर हमें अर्जुन सारजा सर का कुछ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ क्लिप्स लियो मूवी के मेकर्स द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं। आज अर्जुन सारजा सर का बर्थडे भी है, तो सबसे पहले उन्हें हैप्पी बर्थडे। और हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमें कुछ समय पहले लियो मूवी के फर्स्ट क्लिप्स के ऊपर हमें रिलीज कर दिखाया गया था कि संजय दत्त का बर्थडे था, तब उस समय संजय दत्त को एंथनी दास कहकर हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था कि इस मूवी में संजय दत्त का एंथनी दास नाम से कुछ रोल होने वाला है, उसी प्रकार इस बार हमें अर्जुन सारजा सर का बर्थडे है, तो उस पर हमें होल्डर दास के नाम से लियो मूवी में अर्जुन सारजा सर का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया गया, जिसके अंदर हमें लगता है कि एंथनी दास और होल्डर दास दोनों भाई होने वाले हैं, जिसके अंदर उसी प्रकार से संजय दत्त भी लास्ट के टाइम सिगरेट पीकर उसी प्रकार से सलाम करते हैं, और अर्जुन सारजा सर भी उसी प्रकार से सिगरेट पीते हैं। इस लियो मूवी में हमें दिखाया जाता है कि थलापति विजय का यह मूवी होने वाली है, तो इसके अंदर हमें थलापति विजय को भी एक गाने के अंदर सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। उसी प्रकार इस लियो मूवी में बहुत कुछ होने वाला है, इसके डायरेक्टर लोकेश कनकराज का भी इसके अंदर एक कैमियो होने वाला है। लोकेश कनकराज मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। यह एक विक्रम का लियो यूनिवर्स होने वाला है, जिसमें हमें विक्रम और कैथी जैसी मूवी देखने के लिए मिली थी, उसका ये एक यूनिवर्स का भाग है लियो। इसके अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, थलापति विजय, अर्जुन दास और संजय दत्त, कई बड़े बड़े एक्टर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके अंदर हम अर्जुन दास सर का किस प्रकार से रिप्रेजेंट दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कितने सारे लोग रहते हैं आसपास, और उसी प्रकार जब वो सिगरेट पीते हैं और कुछ तमिल भाषा में बोलते हैं। मूवी के मेकर्स से मुझे एक ही बात कहनी है, अगर आप इस मूवी को पैन इंडियन लेवल पर रिलीज करना चाहते हैं तो इसके हर भाषा के अंदर इसकी डबिंग करके फिर वीडियो को क्लिप्स को डालना चाहिए था। इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कि लास्ट के अंदर अर्जुन दास सर क्या बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है तमिल भाषा के अंदर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको हिंदी में भी डब करके यूट्यूब पर अवेलेबल कराया जाए जल्दी, तो हम इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बना सके और हमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि वो क्या बोल रहे लास्ट टाइम। और इसे क्लिप्स के अंदर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिला है कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत काफ़ी अच्छा होता है। अनिरुद्ध ने इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया है। अनिरुद्ध ने बहुत ऐसे ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक बनाए हैं जो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, और लोकेश कनकराज के साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक बनाए हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।